हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक नट्स चौको बार का मॉकअप तैयार कर सकते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन उसकी कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा। ये हम डिज़ाइन फोटोपिया की हेल्प से तैयार करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फोटोपिया, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया है, एक फ़ोटोशॉप की तरह ही सिमिलर टूल है। आप इस टूल की हेल्प से फोटोशॉप की तरह ही डिज़ाइन से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर फोटोपिया को ओपन कर लिया है। तो आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है फोटोपिया, तो आप इस वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद आपको ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है और आपको अपनी फ़ोटोज़ इसमें इम्पोर्ट कर लेनी है। तो मैं अपनी फ़ोटोज़ इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक ब्लैंक चॉकलेट डिज़ाइन का रैपर ले लिया है, तो इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इन फ़ोटोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे डाउनलोड कर इस ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी पिक्चर फोटोपिया में ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद आपको सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और कंट्रोल जे दबाकर इसकी एक कॉपी तैयार कर लेनी है। ये हमने एक बैकअप के लिए तैयार की है। तो इसके बाद आपको लेफ्ट साइड पैनल पर जाना है, पर आपको इसकी एक सिलेक्शन तैयार कर लेनी है। तो सिलेक्शन तैयार करने के लिए आपको क्विक सिलेक्शन टूल को इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी फेवरेट टूल है, आप उससे इसकी सिलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सिलेक्शन करते वक्त आपका कोई पिक्चर का पार्ट्स रह जाता है, तो आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सिलेक्शन तैयार कर ली है। तो इसके बाद आपको इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर देना है। तो मैं मास्क पर क्लिक कर दूंगा, तो इसका मास्क क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सिंपली लेफ्ट साइड पैनल पर जाना है और आपको यहाँ पर रेक्टेंगल को चूज़ कर लेना है। तो इसके ऊपर आपको एक रेक्टेंगल तैयार कर देनी है। तो मैं इसको पूरा कवर करने के लिए इसके ऊपर एक रेक्टेंगल तैयार कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको इसके ऊपर इसे एडजस्ट कर देना है। तो आपको पूरा डिज़ाइन देखने के लिए इसकी ओपेसिटी आप कम कर भी देख सकते हैं कि आपका डिज़ाइन पूरा इसमें कवर हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। इसी तरह से नीचे से भी हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो अब पूरा कवर हो चुका है। तो इसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी फिर से इनक्रीज़ कर देनी है और आपको इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा डिज़ाइन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ चौको बार डिज़ाइन। तो हम इन दोनों लेयर्स का एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं। तो आपको ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको कंट्रोल जी दबाकर इसका एक ग्रुप तैयार कर लेना है। तो इसके बाद आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर हमें इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। तो इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और आपको नीचे एडजस्टमेंट लेयर पर जाना है और आपको इसके ऊपर एक कलर फिल लेयर ऐड कर देनी है। तो इसके बाद आपको इसमें कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। तो मैंने पहले से कलर जो मैं इस डिज़ाइन में यूज़ करने वाला हूँ, उसका कलर कोड पहले से मुझे मालूम है, तो मैं उसे यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने जो कलर कोड इसमें यूज़ किया है वो ये वाला है 0D8E74। तो इसके बाद मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसके ऊपर टाइप करना है जो हम अपने पैकेजिंग डिज़ाइन का नेम रखने वाले हैं। तो हम इसका नेम नट्स चौको टाइप कर देते हैं। इसे थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड की तरफ कर देता हूँ। तो इसके बाद इसका कलर हम वाइट ले लेते हैं। तो मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट ले लिया है। तो इसके बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा। तो आपको सिंपली इस टेक्स्ट वाले आइकन पर जाना है और आपको इसमें से इसका फॉन्ट चेंज कर देना है।
डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हम सेलेक्ट कर देखते हैं। आपको जो भी फॉन्ट बढ़िया लगे आप उसे सेलेक्ट कर लेना, तो आप मैनुअली भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस वाले फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर देते हैं, तो हम इसमें ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम है लेमन सीज। तो हमने इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है, तो हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया है। तो इसके बाद मैं फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और हम एक न्यू यहाँ पर टाइप करेंगे बार, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ। तो इसी तरह से हम एक और टेक्स्ट पर टाइप करके इसके ऊपर हम लिखेंगे ब्लू बेरी फ्लेवर। ब्लूबेरी फ्लेवर्स को आपको पूरा सिलेक्ट कर इसका फॉन्ट आपको चेंज कर देना है। तो मैं इसका फॉन्ट नेरिस ले लेता हूँ, तो मैं नेरिस पर क्लिक किया तो इसका फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इसका साइज भी थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देता हूँ। आप चाहे तो इसे स्मॉल लेटर्स में कर सकते हैं, अगर आप स्मॉल लेटर्स आपको बढ़िया नहीं लगते तो आप इसे कैपिटल लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे कैपिटल लेटर में टाइप कर देता हूँ, तो मैंने इसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके इसी तरह से हम बार वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। तो इसका फॉन्ट भी मैं नेरिस वाला ही ले लेता हूँ। तो मैंने इसका भी फॉन्ट चेंज कर दिया, तो इसका साइज भी हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। दिस वन इज ओके। तो इसे भी मैं कैपिटल लेटर में ही टाइप कर देता हूँ। तो हमने ये इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर लिया है जो हम इसमें टेक्स्ट यूज करने वाले थे। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ फोटो एलिमेंट्स लगा देता हूँ, जैसे कि नट्स, चॉकलेट स्प्लैश एंड ब्लूबेरीज फोटो। तो इसके लिए आपको फिर से फाइल्स पर क्लिक करना है, तो इस ओपन बटन पर क्लिक कर आपको इसमें ब्लूबेरीज एंड चॉकलेट स्प्लैश एंड नट्स ओपन कर लेने। तो मैंने इन तीनों को कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद मैं ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो मैंने इन तीनों को अपने इस फोटोपिया में ओपन कर लिया है। तो हमारी तीनों पिक्चर्स फोटोपिया में ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद आपको पहले ब्लूबेरीज पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव कर देना है। तो उसके लिए आपको टॉप पैनल पर जाना है और सेलेक्ट पर क्लिक कर आपको रिमूव बीजी पर क्लिक कर देना है। ये जो ब्लर वाली ब्लूबेरीज हैं ये भी इसमें कट हो जाएंगी। अगर आप उसे भी चाहते हैं तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है, तो इसी तरह से मैं नट्स का भी बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूं। तो उसके लिए भी आपको यही स्टेप फिर से रिपीट कर देना है। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और रिमूव वीजी पर क्लिक कर देना है। तो नट्स का भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो मैंने तीनों पिक्चर्स के बैकग्राउंड से रिमूव कर दिए। तो आपने जो पिक्चर्स इंपोर्ट की थी उसे हम अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस ब्लूबेरी वाली फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है, तो आपको इसमें इंपोर्ट कर लेना है। तो हमारा ये ब्लूबेरी वाला फ़ोटो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसका नेम मैं दे देता हूँ ब्लूबेरीज। तो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन में ये फिट हो जाए। तो इसे मैंने फ़ोटो के अकॉर्डिंग साइज इसका डिक्रीज कर दिया है। तो इसी तरह से मैं चॉकलेट स्प्लैश और नट्स को भी इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं नट्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने तीनों को इंपोर्ट कर लिया, तो इसका नट्स का साइज थोड़ा सा मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसका साइज मैंने डिक्रीज कर दिया है। तो इसे मैं यहाँ पर नीचे लगा दूंगा।
इसका नेम मैं चेंज कर कर नट्स लिख देता हूँ। तो नीचे वाली लेयर्स का नेम मैं चोको बार स्प्लैश लिख देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इन तीनों को अब मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो नट्स वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम स्प्लैश के यहाँ पर लगा देंगे। साइज इसका थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। इसी तरह से मैं टेक्स्ट बार और ब्लूबेरी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर कर लगा देता हूँ। तो इसके बाद आपको बार वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसका कलर मैं चेंज कर कर चॉकलेट स्प्लैश वाला कर दूँगा। तो उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद मैं इसका एक कलर सैंपल ले लूँगा और मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा। तो इसी तरह से मैं ब्लूबेरी फ्लेवर वाले टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर दूँगा। तो आपको सिंपली उसमें से सैंपल पर क्लिक कर देना, उसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना। तो हम यहाँ पर इसका नेट वेट भी लिख देते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको जहाँ पर टाइप कर देना है नेट वेट। इसका कलर मैं वाइट ही ले लूँगा। तो ये सब डिज़ाइन तैयार करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एस दबाकर इसे सेव कर देना है। तो हमारा डिज़ाइन जो हमने तैयार किया है वो हमारा डिज़ाइन चॉकलेट बार पर लग जाएगा। ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपली इस लेयर वाले मास्क को सिलेक्ट करना है। तो इसको फोल्डर्स पर लगा देना है। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर प्लेस हो चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करूँगा। तो आपको थोड़ी सी टेक्स्ट के ऊपर शेडो ऐड करने के लिए आपको नर्स चौक को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर ड्रॉप शेडो और इनर शेडो पर क्लिक कर देना है। इससे हमारे टेक्स्ट के ऊपर शेडो ऐड हो जाएगी। तो आपको इसके बाद कंट्रोल एस दबाकर इसे सेव कर देना है। अब देखो हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसके बाद आपको इसकी ब्लेंडिंग चेंज कर देनी है। तो मैं डबल क्लिक कर कर इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा डार्क साइड को थोड़ा सा कम करने के लिए कम कर देता हूँ। तो इसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ करूँगा। तो इसे आपको ऑल्ट की दबाकर इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है। इससे हमारे डार्क एरियाज होंगे थोड़े से कम हो जाएंगे और आपको इसमें थोड़ी सी शाइन ऐड कर देनी है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड वाले स्लाइडर को साइड पर कर देना है। तो इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई सेलेक्ट करना है। ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसमें थोड़ी सी और शाइन ऐड करने के लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको ब्राइटनेस पर क्लिक करना है और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ कर देनी है। तो मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिए दिस इज़ बिफोर दिस इज़ आफ्टर। तो इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली फोल्डर के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड कर देनी है। तो मैं इसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड कर दी है। तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं फोल्डर के ऊपर। तो आपको ऑल्ट की दबाकर इस मास्क को इसके ऊपर कॉपी कर देना है। तो मैं इसे इसके ऊपर कॉपी कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और आपको इसे
कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्टेड मास्क में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको इसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको कलर पर क्लिक करना है और आपको इसमें से कोई भी कलर चूज कर लेना है। तो हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, तो इसका ब्लेंडिंग मोड भी हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लास्ट स्टेप में शेडो भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको इस फोल्डर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर इसमें ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। तो हमारे डिज़ाइन में शेडो ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो अगर आप इसकी ब्लेंडिंग मोड इसमें चेंज करके देखना चाहते हैं कि आपको कौन सी बढ़िया लगती है, तो आप इसमें से चेंज कर देख सकते हैं। तो जब मैं कलर वन को सिलेक्ट करता हूँ, ये ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। अगर मैं लीनियर वन को सिलेक्ट करता हूँ, वाओ, ये देखिए मल्टीप्लाई से ज़्यादा लीनियर वन में डिज़ाइन बढ़िया लगता है। तो आप को जो भी बढ़िया लगे, अगर आप मल्टीप्लाई आपको बढ़िया लगे तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लीनियर वन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।